हे गाइस, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बता दूं कि हम कई सारे क्रैश कोर्सेज आपके लिए लेके आते रहते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR, DBT, GATE, ICMR, ICR, एनी लाइफ साइंस एग्जामिनेशन, तो जुड़िए हमारे साथ और इस यूट्यूब चैनल पर देख करिए कई सारे क्रैश कोर्स और कई सारे डिटेल कोर्स के वीडियो इन अ वेरी इंटरेक्टिव, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक वे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा इस चैनल को। बाकी इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बूस्ट हो सके। सो लेट्स चेंज द वे ऑफ लर्निंग एंड वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हे गाइस, जैसा कि आपको पता है कि कई सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार करना क्या है, कई सारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हो, तो मैं इस सिंपल से हैक्स के साथ आपके जुड़ा हूँ इस वीडियो में। बस आपको ये बताने वाला हूँ कि कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारी चीज़ें हमारे लाइफ में चलती रहती हैं, प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम जो है अपने उस पॉजिटिव साइड्स को देखना छोड़ दें। ठीक है, अगर आपके लिए डेट एक्सटेंड भी हो रहा है तो उसमें दो एडवांटेज ये है। पहली बात तो आप COVID-19 से थोड़े से बचे रहेंगे जब तक उसका इफेक्ट मिनिमम नहीं हो जाता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके लिए और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। अगर आपने प्रिपरेशन अभी तक नहीं कर पाए थे या बहुत इफेक्टिव वे में नहीं कर पाए थे तो उसके लिए आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सो हैक्स ये है गाइस कि आप लोग अक्सर चीजों को नेगेटिव साइड में कहते हैं देखने की कोशिश करते हैं। बहुत एक छोटा सा फंडा में बात करने की कोशिश करता हूं कि अक्सर क्या होता है कि जस्ट एक छोटे से डेमो, एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज को समझाऊंगा जो हैक में लेके बताने वाला हूं कि उस हैक में एग्जैक्टली है क्या। तो देखिएगा कि कभी भी अगर मैं कहूं कि आपके पास चावल है, या सिंपल समझने की कोशिश करिएगा, चाय बनाने की विधि सबको पता होती है, आपके पास दूध है, आपके पास चीनी है, आपके पास चाय पत्ती है, आपके पास अदरक है, आपके पास थोड़ी सी इलायची है, आपसे बोला जाए इलायची वाली चाय बना दो भैया, ठीक है, तो आपने चाय वाली इलायची बनाए या चाय बनाए बिना इलायची या किसी चीज का यूज किए बिना आपने सीधे बोल दिया कि भैया चाय अच्छी नहीं है। ऐसा कभी पॉसिबल है कि बिना चाय बनाए आपसे अगर मैं बोलूं कि चाय बना दो और आपने बोला कि चाय अच्छी नहीं है, या मैंने बोल दिया यार चाय तो खराब बनी है, यार चाय तो अच्छी बनी ही नहीं है, यार सीधे आप ये बोल सकते हैं मेरे से चाय अच्छी बनती ही नहीं है या मैं बनाता ही नहीं हूं, तो व्हाट इज दिस एग्जैक्टली। तो इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अक्सर हम यही अपने लाइफ में करते हैं कि हम सोचते हैं जो डिसीजन हम ले लिए हैं या डिसीजन लेने वाले हैं वो डिसीजन सही या गलत कैसे होगा। ठीक है, लोग अक्सर डिसीजन लेते वक्त ही उसके सही और गलत का अनुमान लगा लेते हैं। एग्जैक्टली लाइक कि चाय बनाने से पहले ही ये अनुमान लगा लेना कि वो चाय अच्छी होगी या बुरी होगी, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है भाई? अपना कर्म, अपना वर्क तो इसमें इन्वॉल्व करो। हाउ कैन यू जस्टिफाई अ डिसीजन कि वेदर इट इज रॉन्ग और वेदर इट इज करेक्ट? ठीक है, ये तब पता चलेगा जब आप अपने कर्म, अपने वर्क को उसमें इन्वॉल्व करते हो। यानी पहले चाय तो बनाओ, अच्छे मन से अगर चाय बनाओगे तो अच्छा चाय बनेगा भी। इसी वजह से, इसी तरीके से डिसीजंस जो होते हैं बिना पहले ही, अक्सर हम मान लेते हैं कि हम ये जो डिसीजन ले रहे हैं इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाने का, ये एग्जाम पोस्टपोन होने का, तैयारी करने का, क्या एग्जैक्टली हो रहा है, क्या ये डिसीजन सही है या गलत है? तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे डिसीजन सही और गलत तब नहीं होते, इनको सही और गलत प्रूव करना होता है। डिसीजंस जब हम लेते हैं तब उस वक्त उसका गलत और सही से कोई संबंध नहीं होता है। डिसीजंस जैसे लेते हो उसके बाद अपने कर्मों से उसे प्रूव करना होता है। बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर मैं कहूं कि मैं जो है किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला हूं और मैंने कहा कि यार ये डिसीजन सही है गलत, ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक मैं उसको मेहनत करके एक बार ट्राई ना करूं। अगर मुझसे वो एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो वो मेरा डिसीजन सही था, अगर नहीं हुआ तो मेरा डिसीजन गलत था। तो डिसीजन का आउटकम तक वेट करना बहुत जरूरी है, और उस आउटकम में अगर आप अपना बेस्ट देते हैं तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, उस एग्जाम को, उस लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम को टैकल कर पाएंगे। सो डिसीजंस लेते वक्त ये परेशान होने की जरूरत नहीं। हां, सोचना बहुत जरूरी होता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब डिसीजन एक बार ले लिया तो उस पर पूरे मन से काम करो और डिसीजन को सही प्रूव करके दिखाओ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप कि आपको एग्जाम हैक पसंद आया होगा, और मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आप एग्जाम को क्लियर करेंगे।